आपका भी एग्जाम सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होने वाला है, जो कि आपकी नवंबर में डेट आ चुकी है, जैसा कि मैंने पहले बोला था। इसके अलावा अगर आप फायरमैन का फिजिकल क्लियर कर चुके हैं तो आपका भी रिटर्न होने वाला है दिसंबर या जनवरी के मंथ में। तो सेम सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे आप 85 मार्क्स लाओगे मेरे साथ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको करना है ये सारा कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिए। गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तभी तो ऑल नोटिफिकेशन जानकारी आप प्राप्त करोगे जब भी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या सीआईएसएफ फायर से रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा। देखिए गाइस आपको रिटर्न की एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, जैसे सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल का फिजिकल तो हो चुका है जो 2019 का था, अब उसका होने वाला है रिटर्न, वो आपका नवंबर में डेट आ गई है 11, 12, 13, अगर आपको पता नहीं है तो इस तरीके से आपकी डेट है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, नहीं तो आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। तो गाइज आपको यहाँ पे 80+ मार्क्स आ सकते हैं, जी हाँ आ सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि आपका पेपर 120 मिनट का है, रीजनिंग यहाँ आराम से आने वाली है, ना रेलवे की रीजनिंग ना बैंक की, इतनी आसान रीजनिंग आएगी। 25 आपका मार्क्स का होता है, आप वहां पे 23-20 तो कर सकते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, 20 से कम तो कोई बच्चा नहीं करेगा। इसके अलावा मैथ है, मैथ में भी 20-22 जो आर्ट साइड से पढ़ता है ना, वो भी 20 मार्क्स ले आएगा। ऐसी मैथ आती है गाइस जहाँ पे इतनी नॉर्मल मैथ पूछी जाएगी, अगर आप ढंग से कर लेते हो ना 2 महीने तैयारी, तो आपका 100% होने वाला है। ऐसा नहीं कि 2 महीने 1-1 घंटे पढ़ लो बस हो जाएगा, दो अगर आप महीने कर रहे हो तो आपको 8 या 9 घंटे देना पड़ेगा। किस तरीके से देना पड़ेगा मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ये पहले बात है मेरी सुन लीजिएगा। इसके अलावा जो जीके है इसमें भी आप आराम से कर सकते हो, इसके अलावा आप करंट अफेयर साइंस थोड़ा बहुत कर सकते हो, और इसके अलावा आपकी बच जाती हिंदी जो आती है नॉर्मली, जो आपका अभी बीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का है उसमें हिंदी अलग है। इसमें जो हिंदी आती है ना फायरमैन, अशुद्धियां, शुद्ध वाक्य छाटना, विलोम शब्द पर्यायवाची, यही आने वाला है। यहाँ पे आप को ऐसा भी बच्चा होगा वो 25 में से 23 कर देगा, अगर वो 25 में से 24 करना चाहेगा कैसे, आता सबको वहां पे गलतियां होती है, वो आपको मॉक टेस्ट देना है। कहां से देना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी तक मैं रेलवे की प्रिपरेशन करता हूँ, 300 मॉक टेस्ट दे चुका हूं, जिसमें से 150 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, 90 मिनट का एक क्वेश्चन पेपर हो सकता है, आप समझ सकते हो 100 टेस्ट देना बहुत बड़ी बात है। तो आपको भी ऐसे दृढ़ निश्चय कर लेना है गाइस, तभी ये चीजें हो पाए। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग को यहाँ पे जोड़ना है। 100+ जैसे लोग हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल से सिलेबस किस तरीके से होता है। अभी मेरा एग्जाम चल रहा है तो आपको मतलब 20 तारीख के आसपास मैं बता दूंगा। अगर आपको भी करना है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसके नीचे कमेंट करना। अगर आप फायर का फिजिकल दे रहे हो आपका क्लियर हो गया, आपको भी करनी है तो आप भी कमेंट कर गया है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले तो सारे कमेंट करेंगे, फायर वाले भी सारे कमेंट करेंगे। एक भाई ने बताया था भी कैसे तैयारी करनी है, इस पर वीडियो बनाए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा। तो आपको पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स देना, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो नहीं बनाऊंगा, फिर मैं खुद की तैयारी करूंगा अकेले, फिर किसी का मतलब ही नहीं बनता। तो गाइज आप इस बातों का ध्यान रखिए जिस तरीके से मैंने बताया, फिर डेट टू सिलेबस आपको जैसे मैं एक दिन बताऊंगा ना, एक से एक ट्रिक होती है मैथ में, एक से एक ट्रिक होते हैं। यहाँ पे कोई आपको पूरा मैथ नहीं पढ़ना पड़ता, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से मैथ पढ़नी पड़ती है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको स्मार्ट तरीके से टाइम टेकन ना हो, तो किस तरीके वो सारा बताऊंगा। पहले इस पे नीचे 100 कमेंट आने चाहिए, और इससे जो लोग जुड़ेंगे 100-200 इससे ऊपर ही होने चाहिए, इससे नीचे होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे, कमेंट भी करोगे, जिस जिसका फिजिकल वो भी कमेंट करेगा। गाइज फिर मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।